सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल बटन पे भी क्लिक करिए ताकि अगली वीडियो हमारी आपके पास सबसे पहले आए। अगर आप SSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको SSB OIR की कॉपी लेनी चाहिए ताकि आप अपने स्क्रीन इन होने के चांसेस बढ़ा सको, और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है, और आज का हमारा टॉपिक है कॉमन थिंग्स यू फाइंड इन एवरी फौजीज लाइफ। फौजी के लाइफस्टाइल को जो यूनिक और डिफरेंट बनाती है वैसी हर एक पॉसिबल चीजें बताना थोड़ा मुश्किल है। सोल्जर्स और उनकी फैमिलीज के रहने और काम करने के तरीके से लेके ऐसी काफी चीजें हैं जो उनके लाइफस्टाइल को फैसिनेटिंग बनाती है। प्रोफेशन, लाइफस्टाइल हैबिट्स, डिसिप्लिन और वे ऑफ लाइफ होना। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि कुछ चीजें सारी फौजी हाउसहोल्ड्स में आम है, जैसे कि अब आपको मैं वही कुछ चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले लॉट्स ऑफ बॉक्सेस, जिसे ट्रंक भी बोलते हैं। ये काफी बड़े हैवी ड्यूटी ब्लैक बॉक्सेस होते हैं जिसमें रैंक, नेम और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एक कॉर्नर में लिखी होती है। ये किसी भी फौजी के घर में आम दृश्य है। जब भी आपको अपना रेजिडेंस 3 साल के बाद चेंज करना होगा, ये एक कन्वीनियंट वे होगा पैक करने के लिए अपने क्लोथ्स, यूटेंसिल्स और बाकी चीजें। क्रिस्टल ग्लासेस, क्रिस्टल एश्ट्रे, क्रिस्टल सर्विंग बाउल्स, ये सब फौजी फैमिलीज की फेवरेट होती है। अब बात करते हैं नेम प्लेट्स। रैंक और यूनिट ऑफ करंट पोस्टिंग के साथ होती है। ये मेन गेट के वॉल पे पेंटेड होगी। ये जवान्स और ऑफिसर्स के बीच आम है। अल्कोहल एंड ग्लासेस की बात करें तो काफी ग्लासेस विस्की, वाइन, बियर और सॉफ्ट ड्रिंक्स के होते हैं। और आप में से काफी को पता होगा कि गवर्नमेंट हाई क्वालिटी अल्कोहल सप्लाई करती है CSD को, जो आर्म फोर्सेस पर्सनल के लिए अवेलेबल है। अब बात करते हैं ब्रेजो की। आपने कभी सोचा है कि यूनिफॉर्म के स्टार्स इतने शाइनिंग कैसे होते हैं? तो उसका क्रेडिट ब्रेजो को जाता है जो सोल्जर की वार्डरोब में होते हैं। मोमेंटोज और सुविनियर्स भी होते हैं डिफरेंट पोस्टिंग के यूनिट्स या ऑफिसेस से। इंडियन पोस्टल सर्विस का एक कैलेंडर भी होता है। ये सारी सर्विसेज को इशू होता है जिसपे सारी नेशनल हॉलीडेज अकाउंट होती है। ये बड़ा सा कैलेंडर सारे कैलेंडर को रिप्लेस कर देता है एक फौजी के घर में। बात करते हैं फर्नीचर की। ऑफिसर या सोल्जर्स को बेडिंग, फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, रेस्टिंग चेयर्स मिलती है पोस्टेड टर्म के लिए, और वो ये सारी चीजें डिपॉजिट कर देते हैं जब वो दूसरी स्टेट में पोस्ट होते हैं। फौजी रेयरली फर्नीचर खरीदते हैं क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। गेरू के साथ कवर्ड फ्लावर पॉट्स। हर फौजी और उनकी वाइफ का फ्लावर पॉट्स को लेके सॉफ्ट कॉर्नर होता है। ये कैंपस की ग्रीनरी से इंस्पायर्ड होता है। और अब बात करते हैं कैब स्टैंड की। ये प्रोबेबली सबसे कॉमन चीज होगी जो आप एक फौजी के घर में पाओगे। ये कैप्स एंड हैट्स को रखने के काम आता है, की हैंग करने के लिए भी यूज करते हैं इसको। इसमें आपको बैरे, पीक कैप, गेम्स कैप, गोल्फ कैप, ब्रांडेड कैप्स, रेजिमेंटल हैट और कॉम्बैट हैट और भी काफी मिलेगी। आर्मी फोन कॉल्स। अनलाइक स्मार्टफोन्स, ये आर्मी फोन्स का एक अपना चार्म है। बीच रात को कॉल्स आना एक फौजी के घर में आम बात है। सीनियर को रिपोर्ट देना, जूनियर से रिपोर्ट लेना और नाइट ओके रिपोर्ट देना। हैंगर्स की बात करते हैं। हर एक फौजी फैमिली के घर में बहुत सारे हैंगर्स होते हैं। ये इसलिए क्योंकि एक फौजी को अलग टाइप्स की ड्रेसेस मेंटेन करनी होती है। ये हैंगर्स हर पोस्टिंग पे जुड़ते रहते हैं। शू रैक की बात करें तो शू रैक में बाकी शूज के कंपेरेटिवली फॉर्मल शूज ज्यादा होते हैं। डबल माउंटेड शूज, ब्रोग, पीटी वाइट शूज, गेम शूज, कॉम्बैट शूज और भी ऐसे काफी। ग्राउंड फ्लोर हाउसेस के गार्डन्स की बाउंड्री पे ब्रिक्स होती है, जो हर एक ब्रिक कलर्ड होती है गेरू या चूना से, रेड एंड व्हाइट। ब्रिक्स स्लांट पोजीशन पे गेरू ब्रिक्स के साथ होती है, उसके बाद चूना ब्रिक या इसके उल्टा होता है। ये और ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो एक फौजी के घर में आमतौर पर मिलेगी। अगर आप डिफेंस फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपको ऐसी काफी सारी कॉमन चीजें पता है जो आपको लगता है कि हमने मिस कर दी, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें बताइए, क्योंकि नॉलेज हमेशा शेयर करनी चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आपको डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन का इंस्टाग्राम पेज जरूर फॉलो करना चाहिए, जहां पे आपको डेली बेसिस पे मोटिवेशन, अपडेट्स, न्यूज एंड एग्जाम नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक पे क्लिक करिए और आगे शेयर करिए ताकि सबको इसकी नॉलेज मिल सके। आप सबको बेस्ट ऑफ लक।